हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक सवाल लेकर आए हैं और ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे और दो तरीके से बताएंगे आपको। एक तरीका थोड़ा लंबा होगा, एक तरीका थोड़ा शॉर्ट होगा। आइए करते हैं। देखिए, प्रथम कोट की अपक्रिया, तो इससे हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। उसने तुरंत ही लिख दिया वहां पे कि प्रथम कोट की, तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर है। 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी। अब प्रथम कोट की अपक्रिया है तो हमें एक चीज पता है कि जब प्रथम कोट की अपक्रिया का डेरिवेशन कर रहे थे और शून्य कोट अपक्रिया का डेरिवेशन करते हैं तो वहां पे ये अभिकारक लेते हैं और कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे भी बना लेते हैं। तो कह रखा है प्रारंभ में, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रारंभ में। आइए लिख लेते हैं प्रारंभ में। प्रारंभ में हम यहाँ पे क्या मानते थे, स्मॉल ए यहाँ पे मानते थे जीरो, वही है प्रारंभिक। अब क्या कह रहा है, टी समय बाद, यहाँ पे लिखते थे टी समय बाद, लिख लेते हैं टी समय बाद। टी समय बाद क्या हुआ, टी समय बाद, टी समय कितना दिया 72 सेकंड, यानी कि 72 सेकंड के बाद, 72 सेकंड के बाद क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती। अब प्रारंभिक सांद्रता हमें नहीं मालूम है ना, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 और यहाँ पे आधी रह जाएगी, तो उसका आधा करेंगे 50, तो ये कितनी रह जाएगी, 50 रह जाएगी। इसका मतलब ए, यहाँ पे हम क्या करते थे, ए माइनस एक्स, यहाँ पे करते थे एक्स और यहाँ पे करते थे ए माइनस एक्स, तो वही हमने यहाँ पे प्रोसेस, इसका मतलब यहाँ पे आपका कितना है 50। आइए करते हैं। तो क्या होता है, प्रथम कोट अपक्रिया का जो सूत्र होता है, के बराबर 2.303 पॉन टी और लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, ये सूत्र होता है। क्या करते हैं, के बराबर 2.303 और टी, टी अपना कितना है 72 सेकंड, टाइम दे रखा है ना, मिनट हो सेकंड हो, तो अपना कितना दे रखा है 72 सेकंड, तो लिख लेते हैं 72 लॉग, ए अपना कितना माना हमने 100 और a माइनस एक्स अपना कितना निकला 50, तो k बराबर 2.303 अपॉन 72 और log 2। अब log 2 बराबर हमें पता है, log 2 बराबर 0.3010, log 2 बराबर 0.3010, तो आइए लिखते हैं k बराबर 2.303 अपॉन 72 और log हट जाएगा, log 2 की जगह पे 0.3010। इसकी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आप करके देख लेना, जब भी ऐसा टर्म ऑफ कंडीशन फंस जाए, ये वाली कंडीशन 2.303 और 0.3010, अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी फंसती है तो आप कैलकुलेशन मत करना, आपको तुरंत ही ये रखना है 0.693, क्योंकि ये आता ही है कैलकुलेशन करने के बाद, यही हमें प्राप्त होता है अपॉन 72। तो के बराबर 9.6×10⁻³ सेकेंड निकला। एक तरीका ये है आपका जी, एक बार फिर से समझा ले रहे हैं कि हमें क्या करना है, ए करना है और अभिकारक लेना है और प्रोडक्ट बनाएगा। प्रारंभ में मैं ए मानता हूं यहाँ पे जीरो और यहाँ पे एक्स ए माइनस एक्स, जैसा उसने कहा कि प्रारंभिक सांद्रता की मैंने एक्स की जगह पे 100 मान लिए और यहाँ पे ए माइनस एक्स की जगह पे मैंने 50 कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रथम कोट की कह रखा है, तो प्रथम कोट की सवाल का जो सूत्र होता है वो यही होता है क्रिया का, तो सूत्र लगाया और टी हमें पता है कि 72 सेकंड बाद, तो 72 रख दिए और हमने कैलकुलेशन करके ये प्राप्त कर लिया। एक तो ये प्रोसेस होती है और सेकंड मेथड जो होता है वो बहुत सरल होता है, सेकंड मेथड जो होता है वो आपका बहुत सरल होता है। क्या कहता है, जब भी ऐसी आपकी कंडीशन फंसे, इस प्रकार के जब भी आपको सवाल फंसे तो आपको क्या करना है, 0.693 के बराबर और टी हाफ बेग स्थिरांक, यहां पे आपको क्या करना है, के बराबर 0.693 अपॉन 72 और के बराबर 9.6×10⁻³ सेकंड, ये आ गया आपका आंसर। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप बताना, कमेंट करना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे।